स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ मिथुन एंड इप्सिता को। मौजम इप्सिता वर्ड याद है, मौजम से सही नहीं बोला गया था जब हम लोगों ने वीडियो देखी थी, बट थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी अच्छी ईमेल लिखी और जो आपकी सजेशन है हम डेफिनेटली उसको जरूर देखेंगे। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि उन्होंने अपनी पिक्चर भी साथ में भेजी इप्सिता के साथ, तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह आप दोनों और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अभी हम देखते हैं आज की वीडियो, लेकिन पहले टाइटल बताएंगे। टाइटल है शंकर महादेवन परफॉर्मिंग इन आर्ट ऑफ लिविंग मुंबई। और अगर हम शंकर महादेवन की बात करें तो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और मैं कहूंगी म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं। वेल अभी देख लेते हैं कि कौन सी लाइव परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजन जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवंदिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय वैहप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुसर्वसराराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय
गीत साराय गीत तत्त्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढकुल्फाय गन्धमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवर्धिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि बात करेंगे शंकर जी की, तो एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और अगर इनके गानों की बात करें तो बहुत खूबसूरत हैं, और जितना बड़ा नाम है तो इनके जो है जो एक साउंड ट्रैक्स हैं उनका काम जो है वो भी उतना ही वसी है। वेल, मैं बात करूंगी आज की लाइव परफॉर्मेंस की, कि जिस तरीके से उन्होंने संस्कृत में एक डिवोशनल सॉन्ग परफॉर्म किया लॉर्ड गणेश के नाम पे बहुत सारे लोगों के सामने। हमें इतनी हाई नोट्स पर जाकर गाना आसान नहीं होता लाइव में, सही बात है। और मुझे शंकर जी की आवाज इसीलिए बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि उनकी आवाज इतनी खुली हुई है और सुर इतने खूबसूरत होते हैं कि जब आप उनको सुनते हो ना आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल, जैसे अभी उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो जो जब राग लगा रहे थे तो आपको राग सुनते साथ ही जैसे गूसबम्स आना शुरू हो जाते हैं, आप जैसे ऐसे एकदम हो जाते हैं। तो आवाज जो होती है ना, आवाज वाकई बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कई आवाजें ऐसी होती हैं कि आप सुन रहे होते हैं ना आपके वो दिल को लगती है। जैसे पुराने वक्तों की अगर बात करें तो रेडियो जब होते थे तो जब रेडियो पे लोग गाना सुनने लगते थे तब शक्लें तो नहीं नजर आती थी लेकिन लोगों के दिलों में वो आवाज बैठ जाती थी, क्योंकि वो एक फील जो होता है ना कि आप अगले बंदे को मेस्मराइज कर दो अपनी आवाज से, वो चार्म होता था। मैं कहूंगी कि वो आप एक जादू लोगों पर अपना मतलब क्या कहेंगे कि जादू करते थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बोलना चाहूंगी मौजम के, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ना जैसे म्यूजिक हो गई या फिर आप कोई भी धुन होती है आवाज, इनकी हम कोई बाउंड्री वाकई में नहीं होती, नहीं होती है। अभी जैसे हम लोगों ने संस्कृत में ये सॉन्ग सुना लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, मीनिंग नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि वो लॉर्ड गणेश के लिए एक डिवोशनल सॉन्ग है, लेकिन आपको भी बिल्कुल गणेश जी का जिक्र हो रहा था और कनेक्टिविटी भी आपको फील होती है जब कुछ स्पिरिचुअल आप गाते हो या पढ़ते हो या आप आरती उतारते हो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कनेक्टिविटी होती है आपके गाने के तरीके से, आपके बताने के तरीके से। और वैसे भी संस्कृत तमाम लैंग्वेज की मदर है, तो मैं ये बात बोल रही कि एक बहुत ही डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए कि हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम आई थिंक कंप्लीट संस्कृत में
सुना। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो शंकर जी जो है उन्होंने अपना करियर जो है वो लास्ट विद द म्यूजिक को सिलेक्ट किया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को शायद पता हो, बहुत सारों को ना भी पता हो कि वो जो है एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे। वेल मैं ये बात देखती हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं या कोई भी मतलब जो बहुत एक रिनाउंड पर्सनैलिटी होती है ना, पीछे से अगर निकालो ना उसका पास निकालो तो कोई इंजीनियर निकल आएगा, बिल्कुल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर निकल आएगा, मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड चीजें निकलती हैं, है ना। और उन्होंने 4 नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किए, और उसके अलावा 1998 में जो है एक उनका एल्बम रिलीज हुआ था जिसका नाम था ब्रेथलेस। उससे पहले वो 1997 से तो एक्टिव थे, लेकिन जो है 98 में जो है उनका ब्रेथलेस जब एल्बम आया तो उससे जो है उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिली। खासतौर पर उनका जो एक गाना था ब्रेथलेस, उससे तो वो बहुत ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि एक ही सांस में उन्होंने वो पूरा गाना गाया था। और अक्सर गाने देखो ना अगर आप शंकर सर के तो वो बहुत तेजी तेजी में गाते हैं, बिल्कुल, और मुझे लगता है अभी इस गाने में, हाँ इस गाने में भी, लेकिन इससे भी ज्यादा तेजी में, मतलब मुश्किल। जैसे अभी ब्रेथलेस सॉन्ग के बारे में बात किया मौजम ने, तो वाकई मेरे जैसे बंदे को तो वर्ड्स भी नहीं याद होंगे कि भाई बोलना क्या है। अच्छा, ब्रेथलेस सॉन्ग से मैं याद आया कि एक जो है शो था, जो सिंगिंग शो था, उसमें जो है एक शख्स थे, उन्होंने अपने फाइनल्स में के सेमीफाइनल्स में जो है ब्रेथलेस गाया था, और सब जब उन्होंने कहा था कि मैं ब्रेथलेस गाऊंगा तो सब एकदम हैरान हो गए। पूछा कि आप वाकई ब्रेथलेस गा लेंगे? मेरे साथ भी ये शेयर करना, मुझे भी देखना है, मैं जरूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा हमें पता है कि एक ग्रुप था, मतलब कि दो और इनके साथ है, क्योंकि इनिशियली शंकर एहसान लॉय इनके नाम से जाना जाता था, और मतलब मुझे भी ऐसे ही पता था। और एक और गाना था, मतलब याद है बहुत ज्यादा हिट हुआ था, मूव योर बॉडी, बिल्कुल मूव योर बॉडी। वैसे भी अगर बात की जाए इनके, अगर कंपोजिंग की बात की जाए और अगर सिंगिंग की बात की जाए, तो काफी ज्यादा जितने भी गाने हैं अप्रोक्सीमेटली इनके हिट ही जाते हैं। खासतौर बात के देसी गर्ल बहुत ज्यादा हिट हुआ था, फिर उसके बाद कजरारे, कल हो ना हो बिल्कुल, फिर उसके बाद फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो ये भी यानी कि बहुत हिट नंबर्स दिए हैं उन्होंने। मौजम वो वाली भी मूवी थी एक दिल चाहता है, मतलब आइकॉनिक मूवी और म्यूजिक, मतलब मजा, सही बात है, गाना मतलब दिल चाहता है, बहुत मजा आता है सुनने का। वेल ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा इनके बारे में जानकर। और एक और चीज की, वैसे तो ये साउथ रीजन के हैं, यानी कि जो इनकी फैमिली है वो तमिल, केरला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये नॉर्थ में सेटल हैं, और ज्यादातर हम इनके हिंदी के सॉन्ग जो उनसे हैं वो सुनने को मिलते हैं, हमें तो सिंधी का हिंदी ज्यादा सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब सिंगर्स हैं सॉरी, के जो के साउथ रीजन के हैं लेकिन वो ज्यादातर नॉर्थ साइड पर मतलब गाने गाते हैं, और उनमें से कुछ नाम है मिसेस कविता कृष्णमूर्ति, ये तो बहुत प्रोमिनेंट नाम है कविता, बिल्कुल इनके चालबाज में इन्होंने अच्छे गाने गाए हैं। हरी हरन बहुत ज्यादा फेमस हैं, फिर उसके अलावा मिस्टर के हैं, बिल्कुल सॉरी के हैं, मैंने 3 वर्ड के बोल दिया है। तो मतलब मुझे ना इंडियन सिंगर्स की ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज में गाते हैं और बहुत क्लैरिटी होती है उनके गाने में वर्ड्स की। जैसे कि अभी हम संस्कृत, आई थिंक संस्कृत सबको नहीं आती है, काफी डिफिकल्ट है। आई थिंक मुझे जहां तक याद है ना मौजम, हम लोगों ने लास्ट कोई वीडियो में पूछा भी था कि संस्कृत सिलेबस में है, एड है या नहीं, तो उसमें बताया गया था कि 6 क्लास से शायद स्टार्ट हो जाती है आपके करिकुलम में, बट अभी खैर आप लोग मुझे दोबारा से जरूर कंफर्म कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान नहीं होता एक सिंगर के लिए इतना फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। और यहाँ पे मैं एक गाने की बात करना चाहूंगा जो इन्होंने भी बचपन में सुना होगा, मैंने भी सुना हुआ है, काफी ज्यादा हिट रहा था, भूमरो, इतना हिट गाना था ना शंकर जी का, हाँ मुझे अभी भी याद है। और उसे पेटी सिंटा बहुत खूबसूरत लगती है, आई थिंक वो भी एक आइकॉनिक सॉन्ग था उस टाइम के लिहाज से, और जब भी मतलब इतना ज्यादा हिट होता था मैंने इसलिए कहा था बताइए करेंगी लाजमी क्योंकि मुझे इसलिए याद ना, बचपन में शादियों पे गानों पे डांस किए मैं, इस वजह से बहुत ज्यादा याद। वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, देखकर बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और आपके पास कोई डिटेल्स हैं शंकर जी से रिलेटेड तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और मैं जाने से पहले एक और मौजूद को बात बताना चाहती हूँ, शायद मौजूद को पता हो कि इनके बेटे भी बहुत अच्छे सिंगर है, और उन्होंने भाग में लिखा के लिए गाना है जिंदा।
वैसे बाग में कमाल भी बहुत अच्छी मूवी बहुत अच्छी मूवी है और इसी के साथ देखो मेरे चैनल गुड बाय।